धोखाधड़ी केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक अदालत में पेश हुए। पेशी के दौरान ट्रंप का आक्रामक रुख नजर आया। सुनवाई के दौरान वो जज और अटॉर्नी जनरल से बार बार भिड़े। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ट्रंप के आरोपों से नाराज जज ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई। जज ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि ये तुम्हारी कोई राजनीतिक रैली नहीं है, सिर्फ सवालों का जवाब दो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने और उनके दोनों बेटों ने अपनी संपत्तियों की कीमत का गलत आकलन दर्शाकर कर्ज और इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा लिया। तीनों पर आरोप आपराधिक नहीं है, यानी उन्हें जेल नहीं होगी, पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ये तय करेगा कि ट्रंप को इस मामले में जो फायदा हुआ उसके एवज में उन पर कितना जुर्माना लगाया जाए। अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने ट्रंप पर गलत दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी करने, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करने, बीमा में धोखाधड़ी और साजिश रचने जैसे आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जज से ही भिड़ गए। उन्होंने जज आर्थर एंगोरोन और अटॉर्नी जनरल पर डेमोक्रेटिक पार्टी से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुनवाई ही सही से नहीं हो रही। आरोप लगाया कि सुनवाई ऐसी ही हो रही है मानो वो पहले ही दोषी करार हो चुके हैं। ट्रंप के बार बार आरोपों पर जज एंगोरोन नाराज हो गए। उन्होंने ट्रंप के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल बार बार एक ही रट लगाए हैं, उन्हें शांत कीजिए। जज ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में कहा कि यह आपकी कोई राजनीतिक रैली नहीं, सिर्फ सवालों का जवाब दो। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। ट्रंप ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि कंपनी की वित्तीय स्थिति के बयान धोखाधड़ी वाले थे। उन्होंने कहा कि वे वास्तव में दस्तावेज नहीं थे जिन पर बैंकों ने अधिक ध्यान दिया था। ट्रंप पहले इस मामले में दो बार गवाही दे चुके हैं, दोनों बार बंद कमरे में गवाही दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए